ऑस्ट्रेलिया की घरेलू लीग शेफील्ड शील्ड के विजेता का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ना तो इसका नतीजा फाइनल से निकला और ना ही टॉस से। कोरोना वायरस के चलते शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के फाइनल को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स को अंत तालिका में टॉप पर रहने का इनाम विजेता ट्रॉफी के रूप में मिला। टूर्नामेंट में एक दौर का खेल बाकी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ सभी खेल गतिविधियों को बंद करने का फैसला किया। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर विक्टोरिया की टीम काबिज थी, जो न्यू साउथ वेल्स से 12 अंक पीछे थी। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लायन साउथ वेल्स के लिए ही खेलते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव केविन रॉबर्ट्स ने कहा कि ऐसे में जबकि 27 मार्च को शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले के आयोजन की कोई संभावना नहीं थी, तो एकमत से न्यू साउथ वेल्स को विजेता चुनने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि 9 दौर के मुकाबले के बाद न्यू साउथ वेल्स की टीम ने बड़ी बढ़त ले रखी थी। ऐसे में इस सीजन को बिना किसी विजेता के खत्म करने से अच्छा तरीका बेहतर साबित हुई टीम को ट्रॉफी देने का था, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई मजेदार खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।